तो भाई सलमान खान के नाम इस बार का बॉक्स ऑफिस होने वाला है या नहीं होने वाला है, ये बस कुछ ही देर में हम लोगों को पता चल जाएगा। कल धनतेरस का दिन था, लोगों ने काफी खरीदारी करी है, पर ऐसे में टिकटों की खरीदारी भी हुई। कल जहां पर हमने सुबह देखा था तो 12.5 करोड़ के आसपास का कलेक्शन हो चुका था। वहीं अगर अब बात करें तो जिस प्रपोर्शन में बढ़ना चाहिए था उतने प्रपोर्शन में तो नहीं बढ़ा है, बट स्टिल इंक्रीज तो हो रहा है। अब आज 11 तारीख हो चुकी है, कल ये मूवी रिलीज होनी है। मोटा मोटा मान सकते हैं इसके पास अब 24 घंटे और बचे हुए हैं। 24 घंटे में ये मूवी कितना क्या कवर करती है, ये एक जरूर देखने वाली बात होगी, और जितना ज्यादा कवर करेगी उतना अच्छा होगा, क्योंकि इसके सामने अब सबसे बड़ी बात रिकॉर्ड्स हैं पठान के। पठान इसलिए बोल रहा हूँ, कई लोग बोल रहे हैं जवान का है और ऐसा ऐसा, पर मैं पठान इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए पठान पहली चीज इसी के यूनिवर्स की मूवी है, और सबसे बड़ी बात अगर पठान का रिकॉर्ड ये तोड़ती है तो मेरे हिसाब से शायद एक सही रिकॉर्ड होगा। जवान से हम इसको ना ही कंपेयर करें तो बेहतर है, जवान एक कंप्लीटली डिफरेंट मूवी थी बट स्टिल सेम इंडस्ट्री की थी, करने में क्या जाता, बट पठान से इसका कंपैरिजन मेरे हिसाब से ज्यादा ठीक रहेगा। इसको लेकर जो प्रेडिक्शन सामने आ रहे हैं उन प्रेडिक्शन के हिसाब से माना जा रहा है और पब्लिक भी यही मान रही है कि इस मूवी की जो ओपनिंग है वो 35 to 45 करोड़ के बीच में होगी। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर बात करें जवान की तो फिर भाई वही बात आ जाती है ना, जवान ने एक्स्ट्रॉर्डिनरी प्रदर्शन किया था, 45 करोड़ की तो उसकी सिर्फ और सिर्फ एडवांस बुकिंग हुई थी, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ बस कि उससे हम इसका कंपैरिजन ना ही करें तो बेहतर होगा। नेशनल चेन्स में किस प्रकार की बुकिंग हुई है उसके भी आंकड़े निकलकर सामने आ गए। अगर हम बात करें तो करीब 2 लाख टिकट जो है नेशनल सिनेमा चेन्स में बिके हैं। इनमें अगर हम पीवीआर आईनॉक्स की बात करें तो वहां पर 1,61,000 टिकट बिके हैं। वहीं सिनेपोलिस की बात करें तो करीब 38,000 टिकट जो है वहां पर बिके हैं। तो 2 लाख टिकट जो है टाइगर 3 के अब यहाँ पर नेशनल सिनेमा चेन्स में बिक चुके हैं। अब इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए यदि हम लोग एक बात समझने की कोशिश करें, फेस्टिवल सीजन है, ऑब्वियसली बात है सभी लोग खुश हैं, बहुत अच्छी बात है। उन बीच में ये जो टिकट की सेल्स है ना, आप मानो या ना मानो थोड़ी सी तो कम जा रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि टाइगर 3 फ्लॉप हो जाएगी या टाइगर 3 मतलब अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएगी, लेकिन देखिए कहीं ना कहीं सलमान खान प्लस टाइगर की जो हाइप है उसको देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि यार थोड़ा सा जो है ना इसका कलेक्शन कम है। क्योंकि अगर आप इसके बजट की बात करेंगे तो बजट 300 करोड़ रुपए इसका बजट बताया जा रहा है। 300 करोड़ के बजट के सामने मुझे ऐसा लगता है कि सलमान खान की इस मूवी को कम से कम 1,000 करोड़ तो कमाने चाहिए, भले ही वर्ल्ड वाइड कमाए पर 1,000 करोड़ कमाने चाहिए। और इंडिया नेट में 550 से 600 करोड़ रुपए अगर कमाती है तो बहुत अच्छी बात रहेगी। 550 करोड़ हम एक टारगेट पकड़ के भी चल सकते हैं, और फिर सैटेलाइट राइट ये सब चीजें अलग अलग है। तो ऐसे में पठान के सामने देखिए इसका बजट भी काफी ज्यादा है। पठान का बजट था 225 करोड़ का, टाइगर का जो बजट है वो करीब 300 करोड़ का है, तो बजट में भी ज्यादा है। खैर अब अगर हम आए इसके कलेक्शन के ऊपर एडवांस बुकिंग के, तो आपको समझाएं तो भैया 15,942 शो इसके हो चुके हैं हिंदी 2D के, ऑलमोस्ट 16,000 शोज हो चुके हैं। 254 रुपए एवरेज टिकट प्राइस आ गया है, जो कि हमने देखा था 9,000 शोज के टाइम पर 260 रुपए था, तो यहाँ पर 254 रुपए एवरेज टिकट प्राइस आ गया है। 5,50,000 टिकट जो है इसके अब तक बिक चुके हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें हिंदी IMAX की तो 135 शोज इसके हैं, 634 एवरेज टिकट प्राइस है, और 9,500 टिकट इसके ही बिक गए। हिंदी 4DX की बात करें तो 88 शोज हैं, 647 का एवरेज टिकट प्राइस है, और 2,800 टिकट इसके बिक चुके हैं। वहीं नंबर ऑफ शोज की बात करें हिंदी ICE की तो इसके शोज है 6,616 एवरेज टिकट प्राइस है, और 122 इसके टिकट बिके। तेलुगु की बात करें तो तेलुगु में 798 इसके शोज रखे गए हैं, और 132 एवरेज टिकट प्राइस के साथ में 21,000 इसके टिकट बिके हैं। तेलुगु में फिर भी ठीक ठाक चल रहा है। वहीं अगर हम तमिल की बात करें तो तमिल में पता नहीं इसको क्यों ही रिलीज कर रहे हैं जब आपको शोज ही 134 रखने हैं, तो 127 इसका एवरेज टिकट प्राइस है और 3,000 के करीब इसके टिकट बिके हैं। यहाँ पर आप एक बार फिर देखिए तमिल और तेलुगु में टोटल मिला के अब करीब मतलब अभी भी मतलब 900 से 950 ही इसके शोज है, 1,000 अभी भी टच नहीं किया है, शायद कल 1,000 शोज को टच भी कर जाए। तो ऐसे में अब इसके कुल टिकट जो है वो नकुल शोज जो है सबसे पहले देखें तो 17,000 इसके शोज हो चुके हैं। वहीं अगर हम बात करें इसके टिकट सोल्ड की तो 5,86,000 5,86,000 इसके टिकट बिक चुके हैं, और अगर हम कलेक्शन की बात करें तो 15.5 करोड़ उसका कलेक्शन हो चुका है। अब इसी पॉइंट पर जवान के जो टिकट्स थे वो करीब 15 लाख बिके थे और जो कलेक्शन हुआ था वो 45 करोड़ हुआ था। यहाँ पर यही कंपैरिजन है जो है वो इस समय लोग कर रहे हैं, और इसी कंपैरिजन में कहीं ना कहीं सलमान खान की मूवी पिछड़ती हुई भी नजर आ रही है। हालांकि सलमान खान की इस मूवी को लेकर बातें जो आ रही हैं और जिस प्रकार की रिपोर्ट्स मतलब जो बता रही है कि नहीं इस मूवी का प्लॉट काफी अच्छा है, काफी चीजों को कनेक्ट किया गया है, शाहरुख खान के इसमें कैमियो देखने के लिए मिलेगा, और टाइगर उसके अलावा वॉर के कबीर का भी इसमें कैमियो हो सकता है, तो काफी सारी चीजें इसमें बताई जा रही हैं कि हाँ पॉजिटिव हैं और एक प्लॉट अच्छा बनाने में हेल्प करेंगी। तो देखना होगा किस तरीके से मूवी का मतलब बाहर आती है, पब्लिक को कैसी मूवी पसंद आती है। वर्ड ऑफ माउथ के ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंड करेंगी, क्योंकि कल दीपावली का दिन है
दीपावली के कारण मुझे ऐसा लगता है कि लोग इसके अगले दिन इस मूवी को देखना ज्यादा ज्यादा पसंद करेंगे। फिर उसके बाद भाई दूज की भी छुट्टी रहेगी, तो दिन अच्छे हैं इसके पास में, बस देखना पड़ेगा वर्ड ऑफ माउथ का कैसे ये कैश करती है। बाकी आप लोगों के हिसाब से क्या इस मूवी को धनतेरस पर रिलीज होना चाहिए था जिससे कि इसको दीपावली तक का एक बढ़िया टाइम मिल जाता, कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही, जय हिंद जय भारत।